कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का बेसिक एमसीक्यू से एडवांस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर एमसीक्यू का कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतना एग्ज़ाम दिया है कि मैं उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन पैटर्न को डिज़ाइन किया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, चार ऑप्शन से आपके सामने, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे भी देख लो चार ऑप्शन से हमारे पास, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, तो ये वाला ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटा इकाई कौन सा है मेमोरी का, डेटा यूनिट का, बिट, निबल, केबी या फिर बाइट्स, तो यहाँ पे बिट करेक्ट आंसर होगा, बिट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू, कंप्यूटर सिस्टम में एक निबल कितने के बराबर होता है, एक बिट, एट बाइट्स, फोर बिट्स या फिर एक केबी, तो यहाँ पे हमारा फोर बिट्स करेक्ट आंसर होगा, फोर बिट्स इक्वल टू एक निबल होता है। तो चलिए सेकेंड पेज में मूव करते हैं, वहाँ भी एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, वन बाइट इक्वल टू एट बिट्स, एक निबल, फोर बिट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूं, वन बाइट इक्वल टू होता है एट बिट्स, तो यहाँ पे एट बिट्स करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू, अपने सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं, वन टू थ्री या फिर फोर, तो मैं आपको बता दूँ, टू पार्ट्स होता है अपने सीपीयू में। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन होता है, सी यू, एल यू, मेमोरी या फिर सी पी यू, तो यहाँ पे बता दो डी नंबर सी पी यू करेक्ट आंसर होगा, सी पी यू ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सी पी यू, सी पी यू में कितने पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, मैं आपको फिर बोल दूँ, टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एल यू, एक होता है सी यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको बताना इन चारों में से कौन एक है जो कि सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये तो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये माउस करेक्ट आंसर होगा, माउस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, माउस एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो अब चलिए अगले पेज में मूव करते हैं, वहाँ भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर वीडियो सच में अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं, तो यहाँ पे वन टू फोर फाइव, चार ऑप्शन है, तो फाइव जनरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, टोटल पाँच है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने, तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 1946 से 1959 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है, एकदम एक्यूरेट टाइम पीरियड बता रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, अपना पहला जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर वैक्यूम ट्यूब करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी, केबी का पूरा नेम क्या है मेमोरी में, चार ऑप्शन से, नो बिट, नी बाइट, किलो बाइट या फिर किलो बिट, तो यहाँ पे सी नंबर यानी थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, किलो बाइट, यहाँ पे आपको किलो बिट पे कन्फ्यूज़ नहीं करना है, किलो बाइट करेक्ट आंसर होगा। एक के बी इक्वल टू, आपको बताना है एक के बी कितने के बराबर होता है, 1000 बाइट, 1024 बाइट्स, एक एम बी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1024 बाइट्स के बराबर होता है एक के बी यानी एक किलो बाइट, कहीं कहीं आपको 1000 बाइट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये आंसर टिक करना है। गाइज स्टार्टिंग के क्वेश्चन पैटर्न्स को देख के आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, आपको बताना है मेमोरी का कितना टाइप होता है,
1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे बी नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। टू टाइप्स का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का आपको एग्जाम्पल बताना है। वोलाटाइल मेमोरी वो होता है जिसका डेटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद चला जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम या फिर रोम। तो यहाँ पे हमारा रैम करेक्ट आंसर होगा। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। गाइस इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इन तीनों में से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है या फिर इन ये तीनों हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है क्योंकि इनसे हम इनपुट लेते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU, RAM प्लस ROM, RAM प्लस ALU या फिर ROM प्लस CU। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ALU और CU के कॉम्बिनेशन से CPU बना है। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेसिबल मैनेजमेंट, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर करेक्ट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरा नेम होता है अपने RAM का। नेक्स्ट पेज की ओर चलिए मूव करते हैं। गाइस एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आने से रहा, तो आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। हमारे मेमोरी को मेजरमेंट करने का वैलिड यूनिट कौन सा है आपको बताना है। KB, MB, GB या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी को हम KB, MB, GB सभी में मेजर कर सकते हैं। हाउ मैनी एरो कीज इन कीबोर्ड। अपने कीबोर्ड में कितने एरोस की होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर होगा, 4 एरो कीज होते हैं। हाउ मैनी कीज ऑन कीबोर्ड, आपको बताना है कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। तो मैं अभी अपने कंप्यूटर सिस्टम में कीज को काउंट करके आया हूँ, तो मुझे 104 कीज मिले हैं मेरे कीबोर्ड में। आप भी काउंट करिएगा, कहीं कहीं 101, 107 भी हो सकता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एल्गोरिदम, कंप्यूटर प्रोग्राम, फ्लो चार्ट या फिर नन। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्ट आंसर होगा। जो कोड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में पहले से ही फिट होता है उसको कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। द सेक्शन ऑफ CPU दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। CPU का वो हिस्सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं। CU, मेमोरी, रजिस्टर या फिर ALU। तो ALU करेक्ट आंसर होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर का एग्जाम्पल बताना है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल है क्योंकि इन सभी को हम टच कर सकते हैं। तो चलिए अगला पेज में मूव करते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो गाइस एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर होगा। 2 टाइप्स का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। FIFO स्टैंड फॉर, 4 ऑप्शन से आपके सामने। करेक्ट आंसर होगा इसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी, ट्रू, फॉल्स, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फॉल्स करेक्ट आंसर होगा, ALU जो है मेमोरी का पार्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ रैम, आपको रैम का टाइप्स बताना है। SRAM, DRAM ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोथ करेक्ट आंसर होगा, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रैम के 2 टाइप्स होते हैं। हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको बताना है क्या अपना हार्डवेयर जो है बिना डिवाइस ड्राइवर का काम कर सकता है। तो यहाँ पे फॉल्स होगा आंसर, ठीक है, नहीं कर सकता। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है, F2, कंट्रोल सी, कंट्रोल बटन या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करेक्ट आंसर होगा, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा। चलिए अगला पेज में चलते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब करे जाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो PCB स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर वाला PCB है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन से आपके सामने। तो करेक्ट आंसर होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूँ, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, Alt+F4 जब आप प्रेस करके एंटर मारोगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की F5 होता है, F5 दबाओगे तो कंप्यूटर आपका रिफ्रेशिंग चालू कर देगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताना है आपको, इनमें से कौन है। मैं आपको बता दूं, विंडोज, लिनक्स, एमएस डॉस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ऑल करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल आपको बताना है, एस रैम, डी रैम, रोम, बोथ, बोथ का मतलब ये दोनों, ठीक है, या फिर हाँ वन एंड टू है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एस रैम डी रैम यानी बोथ वन एंड टू करेक्ट आंसर होगा हमारा, वोलाटाइल मेमोरी का ये एग्जाम्पल है। गाइस यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड, चार ऑप्शन से, फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडू या फिर फॉर डिलीट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंट्रोल प्लस जेड का यूज होता है फॉर अंडू के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ चीज़ बनाया, गलती से आपका डिलीट हो गया, तो जब आप कंट्रोल प्लस जेड दबोगे ना, अपने कीबोर्ड में दबाओगे, तब क्या होगा, आपका वो चीज़ आपको फिर से मिल जाएगा, यानी बैकअप आ जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग शॉर्टकट की है ये। व्हाट इज़ द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज़ है, फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्प्ररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट आप प्रेस करोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा आपका डेटा। कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर, कंट्रोल सी का यूज हम किस लिए करते हैं, कॉपी पेस्ट कट या फिर अंडू, तो यहाँ पे कॉपी के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस सी का यूज, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट कीज ऑफ सेलेक्ट ऑल, किसी भी चीज़ को पूरा सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, अल्ट ए या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है ये। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ हम करते हैं कट करने के लिए, तो यहाँ पे कट करेक्ट आंसर होगा। वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो तो फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the example of binary number? आपको binary number का example बताना है, चार option से आपके सामने देख लो। तो यहाँ पे 0 and 1 correct answer होगा, 0, 1 के form में कोई भी number होता है वो binary number है। Bits stands for, bits का full form बताना है, binary digits, bin digits, bin file या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे binary digits correct answer होगा। मैंने bits बोला है, अगर bit बोलता है तो यहाँ पे भी S नहीं होता। The BCD uses how many bits? बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी का पूरा नेम होता है, तो आपको बताना ये कितना बिट्स यूज़ करता है। 6 बिट्स करेक्ट आंसर होगा इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट, आपको बताना इनमें से कौन लॉजिक गेट का एग्जांपल है, एंड और नॉट या फिर इनमें से सभी, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये तीनों लॉजिक गेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, आपको बताना कि दो तरह का मेन मेमोरी कौन कौन सा है, CD, DVD, RAM एंड ROM, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी, तो यहाँ पे हमारा RAM एंड ROM करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ मेन मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो आप मत सोचिएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, गलती कर जाओगे आप। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है आपको ये बताना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को और हम किस नाम से बुलाते हैं, प्राइमरी, इंटरनल, सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी हम कहते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नेम बताना है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने मैं करेक्ट आंसर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। जीमेल का भी, जीमेल स्टैंड्स फॉर ग्लोबल मेल, गूगल मेल, गूगल सर्विस या फिर नन, तो यहाँ पे जीमेल का पूरा नेम होता है गूगल मेल। गाइस ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू में अक्सर पूछता है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। 4 बिट्स और हाफ बाइट इज कॉल्ड मेमोरी, पिक्सल, निबल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे निबल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर या फिर हाफ बाइट के बराबर। अर्पानेट स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। फुल फॉर्म बताना है, चार ऑप्शन से आपके सामने, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नेम क्या था।
द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, जैसा कि मैंने कहा, चार ऑप्शन से लैन, मैन, अर्पानेट या फिर पैन। तो यहाँ पे अर्पानेट करेक्ट आंसर होगा, अर्पानेट ही पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए सीडी, एग्जाम में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं। 500 MB, 600 MB, 1 GB या फिर 700 MB। तो करेक्ट आंसर होगा 700 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में। यहाँ पे ब्लैंक है, हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, चार ऑप्शन से आपके सामने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, ठीक है। क्यों, इसका एक्सेस करने का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि ये सीपीयू का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर इनमें से सभी। तो सेकेंडरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फिक्स्ड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिए। द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस का आपको लेंथ बताना है, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो यहाँ पे 32 बिट्स करेक्ट आंसर होगा, आईपी एड्रेस का टोटल लेंथ इतना ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो चार ऑप्शन से आपके सामने। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ए नंबर करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेस का आपको टोटल लेंथ बताना है, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 255। तो यहाँ पे 48 बिट्स करेक्ट आंसर होगा, मैक एड्रेस का टोटल लेंथ। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, आपको बताना है कि किसी भी रिसोर्स का लोकेशन इंटरनेट में कौन रिप्रेजेंट करता है, URL, प्रोटोकॉल, ईमेल या फिर IP। तो यहाँ पे URL करेक्ट आंसर होगा, URL ही लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट में। URL stands for, अभी देखिए URL का पूरा नेम पूछ रहा है आपसे, चार ऑप्शन से आपके सामने। करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, लोकेटर यहाँ पे, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड, नेटवर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। गाइज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इस वीडियो को देख लोगे ना तो कंप्यूटर MCQ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपके खुद के नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, राउटिंग या फिर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे टोपोलॉजी करेक्ट आंसर होगा, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, सिंटैक्स, फॉर्मेटिंग, मैनेजमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंटैक्स करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस, किस डिवाइस का एग्जाम्पल होता है कीबोर्ड, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर इनमें से सभी। तो इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर होगा, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड एग्जाम्पल होता है इनपुट डिवाइस का, ठीक है। मॉनिटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज या फिर डिस्प्ले डिवाइस। तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्टूडेंट डिस्प्ले को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस करेक्ट आंसर होगा। देखिए आउटपुट डिवाइस वो होता है जहाँ हमें आउटपुट दिखता है, और इनपुट डिवाइस वो होता है जहाँ से हम इनपुट देते हैं। तो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस हुआ, अपने मॉनिटर में हम आउटपुट को देखते हैं तो आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। हाउ मेनी फंक्शन कीज ऑन कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड में टोटल कितने फंक्शन कीज होते हैं, 4, 8, 12 या फिर 16। तो यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर होगा, F1 से F12 तक फंक्शन के ही होते हैं, 12 टोटल होते हैं। रैम एंड रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस, किस डिवाइस का एग्जाम्पल है अपना ये रैम रोम, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैम, रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। आगे चलिए देखते हैं, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस यहाँ पे नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप, स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है जो स्पीकर होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स क्यों,
क्योंकि सिंप्लेक्स हम उसे कहते हैं जिधर केवल एक साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो स्पीकर वही होता है, ठीक है। इसलिए सिंप्लेक्स का एग्जांपल हो गया स्पीकर। टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जांपल ऑफ किस सिस्टम का एग्जांपल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्यों? क्योंकि फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से और एक ही सेम टाइम में कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी से बात करते हो तो आप इधर से भी बोल सकते हो, वो भी उधर से बोल सकते हो और दोनों सेम टाइम में बोलते हैं, ठीक है। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर नन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका हाफ डुप्लेक्स। क्यों? वॉकी टॉकी जो हमारे आर्मी के जवानों के पास होता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड से तो कम्युनिकेशन होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही साइड के इंसान बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए हाफ डुप्लेक्स होगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन? आपको बताना इनमें से डेटा ट्रांसमिशन का मोड कौन है, यानी डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर होगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये तीनों ही तो डेटा कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया। स्टार इज द टाइप ऑफ टोपोलॉजी, क्या ये सच है, ट्रू, फॉल्स, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ट्रू करेक्ट आंसर होगा, स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट या फिर इनमें से सभी? तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, सीपीयू इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए तो सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। गाइस यहाँ पे देखो कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर का नेम क्या था, एनियक, यूनियक, परम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा एनियक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बताना है, एनियक स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नेम आपको बताना है। चार ऑप्शन से आपके सामने, आप सोच सकते हो क्या करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीगर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इंटीग्रेटर है यहाँ पे। तो ये ए नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा एनियक का पूरा नेम। विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था या फिर है जब भी बन रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर था उसमें, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के किस जनरेशन में डेवलप किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो यहाँ पे हमारा थर्ड करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था। इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर, OCR का पूरा नेम बताना, कंप्यूटर में क्या होता है, चार ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रिमूवेबल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलिए मूव करते हैं। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को पहले लिखा है और अभी आपके सामने बता रहा हूँ, तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर माउस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइन, सेलेक्टिंग या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, माउस के डेवलपर का नाम बताना है। डेनिस रिची, ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। चार्ल्स बेबेज, ये तो कंप्यूटर बनाया था तो ये भी नहीं होगा। डॉगलस एंजलबर्ट, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, डॉगलस एंजलबर्ट माउस के डेवलपर का नेम है। द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस वर्जन 6 इज, ठीक है, IPv6 का आपको लेंथ बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, IPv6 का टोटल लेंथ होता है 128 बिट्स, ठीक है। Which of the following is the type of network? आपको बताना है इनमें से नेटवर्क का टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर होगा, लैन, वैन, पैन, मैन, ये सभी नेटवर्क के टाइप हैं। USB stands for, USB का फुल फॉर्म बताना है। वैसे मैंने एक फुल फॉर्म के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर रिलेटेड सारा फुल फॉर्म उस वीडियो में है। USB का पूरा नेम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है,
व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2, 8, 10 या फिर 16? तो यहाँ पे सी नंबर यानी 10 करेक्ट आंसर होगा। 10 ही डेसिमल नंबर के बेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1100 कन्वर्ट इन डेसिमल। जब आप इस 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12, 8, 4 या फिर 16? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर 12 होगा। क्यों? देखो 1, 2, 4, 8, ठीक है, तो 4 और 8 के जगह पे देखो 1 है तो ऐड कर दो, 12 आ गया, और 0 को छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? रीड राइट मेमोरी इनमें से कौन है, रोम, रैम, डीवीडी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव? तो यहाँ पे रैम करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। UPS स्टैंड्स फॉर, इसका भी फुल फॉर्म बताना है आपको, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, करेक्ट आंसर होगा। इस UPS का पूरा नेम होता है, ठीक है। 1 TB इक्वल टू, आपको बताना है 1 TB कितने के बराबर होता है, 1000 GB, 1024 GB, बोथ, नन? तो यहाँ पे बोथ को मैं करेक्ट करूँगा, कहीं कहीं आपको 1000 मिलेगा, पर 1024 GB भी होता है, ज़्यादातर बुक्स में आपको 1024 मिलेगा, तो करेक्ट आप इसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU, CCTV, DVD, CD। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा VDU, ठीक है। VDU को ही हम कंप्यूटर मॉनिटर बोलते हैं। VDU फुल फॉर्म, VDU का पूरा फुल फॉर्म बताना है आपको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्क यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको यहाँ पे मेमोरी यूनिट का इकाई दिख रहा है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ये सी नंबर होगा, TB ग्रेटर देन GB ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन KB, ठीक है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर से जो आउटपुट प्रिंट हो जाता है हमारे, जो हम निकाल लेते हैं प्रिंट आउट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर पेपर? तो हार्ड कॉपी करेक्ट आंसर होगा, जो भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल जाता है। गाइज, वीडियो कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा आपको देख के मुझे बताइए। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो, वीडियो देख लिया हो आप लोगों ने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।